नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो के ऊपर ना कल के दिन एक बहुत ही बड़ा सेलिंग हमको देखने को मिला था। इसमें दो कारणों की वजह से सेलिंग था, क्योंकि यहाँ पे ना इनका Q2 का रिजल्ट आया था। काफी लोगों को लगा था रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता है, क्योंकि इनका ना सेल्स का नंबर जो मंथली बेसिस पे आउट होता है, सेल्स का नंबर में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला था, मगर रिजल्ट खराब आया। इस वजह से ना यहाँ पे अचानक से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। दूसरा कारण क्या था, काफी ब्रोकरेज हाउस ना जब इनका रिजल्ट देख लिए तो इम्प्रेस नहीं हुए, वो लोग डिसअपॉइंट हो गए और इन्होंने सेल की रेटिंग दे दिया था, जिस वजह से और भी ज्यादा सेलिंग बढ़ गया था। अभी एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला चीज है सिटी। सिटी ना इस वक्त सेल की रेटिंग दिए बजाज ऑटो को, और ये ना 7,800 रुपया पर शेयर के हिसाब से देखने को मिल सकता है, ऐसा उनका कहना है। दूसरा, माकरे ने मेंटेन किया न्यूट्रल कॉल, और इनका कहना है कि 11,200 रुपया पर शेयर प्राइस इनके तरफ से है। दूसरा रिपोर्ट आया था HSBC की तरफ से आया था, और जेफरी की तरफ से, मॉर्गन स्टेनली की तरफ से भी आया था, वो भी इस वक्त ना बुलिश है, मगर क्या ना रिजल्ट खराब आया, इस वजह से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया था। अब क्या करना चाहिए, तो स्टॉक देखिए ऑलरेडी ना यहाँ पे 13,000 रुपये से करेक्शन दे रहा है, और फिर हमें यहाँ पे एक लोअर लो पैटर्न फॉर्म किया, कल के दिन इसमें गैप डाउन लिया और एक बड़ा सा सेलिंग दिया है। और जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब 10,050 पे ये ट्रेड कर रहा है, मतलब इसके पास सपोर्ट लेवल कितने का है, नीचे की तरफ वो है 10,000, जो एक साइकोलॉजी नंबर है जिसका मार्केट वेट कर रहा है टूटने का। यहाँ दोस्तों यहाँ पे ना काफी लोग ना अभी नया पोजीशन नहीं बना रहे, जो एक जेनुअन इन्वेस्टर जो मार्केट को समझते हैं वो लोग रुके हुए हैं कि ये लेवल टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर टूट जाएगा तो फिर यहाँ पे फिर दोबारा एक सेलिंग आएगा, और ये सेलिंग आपको लेके जाएगा सीधा 9,000 रुपये पे। जी हाँ दोस्तों, अभी नया पोजीशन बनाना रुकी है थोड़ा सा। अगर यहाँ पे ना रिकवरी कर लेता है, थोड़ा सा रिकवरी करके अगर 10,500 के आसपास पहुंच जाता है, तो फिर भी हमें यहाँ पे ना मूवमेंट आपको अपसाइड का मिल जाएगा, जो कि कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। तो पहला टारगेट रहेगा 11,000 करेगा, दूसरा टारगेट 12,000 करेगा, और अगर बाई चांस ये जो 45 पॉइंट का जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल बचा है ना, 10,043 पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो समझ लेना फिर यहाँ पे ना डायरेक्ट आपको 1,000 पॉइंट तक गिर सकता है, क्योंकि इसके लिए 1,000 पॉइंट ना कोई बड़ी बात नहीं है। देख रहा हूँ ना यहाँ पे एक ही दिन में 11,000 से लेकर ये 10,000 पे आया, तो मतलब कितना हो गया यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट जो है 1,000 का पॉइंट का इसमें गिरावट देखने को मिला था एक दिन के अंदर। तो समझ लीजिए अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ज़्यादा गिरावट बढ़ सकता है। तो सारे कंडीशन आपको बता दिया हूँ, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय सेल को रिकमेंडेशन ही है। जय हिंद।